50 करोड़ की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। अतीक के भाई की पत्नी के लिए बना था आलिशान घर। अशरफ की पत्नी के घर चला बुलडोजर। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। यहाँ पर माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की फरार पत्नी जनाब फातिमा के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। ये कार्रवाई वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की संपत्ति हड़पने के मामले में की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अशरफ ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर जैनब के लिए आलिशान घर बनवाया था। जानकारी के अनुसार ये मामला सलाहपुर का है। यहीं पर वक्फ बोर्ड की जमीन थी जिस पर जैनब फातिमा के लिए अशरफ ने घर का निर्माण करवाया था। इसी निर्माण पर पीडीए का बुलडोजर चला है और यहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ रुपए कीमत की प्रॉपर्टी थी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी एन हाशमी से सुनिए पूरी कार्रवाई कैसे हुई, क्यों सर ये जिशान फातिमा के नाम से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, नोटिस किया गया था। ये वक्फ की जमीन पर निर्माण था। हमने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत इन्हें नोटिस दिया था और नोटिस में इन्होंने अपने वैधानिकता को और ओनरशिप को साबित नहीं कर पाए, तो इसलिए इस पर ध्वस्तीकरण आदेश था। उसी के तहत आज ये मकान ध्वस्त किया जा रहा है। कुल कितनी ये संपत्ति थी, कितना ये संपत्ति लगभग 30x70 के माप में है और G+2 का निर्माण अभी हो ही रहा है, निर्माण तो अभी चल रहा है। चूंकि बीच में सील कर दिया गया था तो निर्माण रुक गया, तो ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अभी कम्प्लीट नहीं है। कोई स्टेटस मतलब जमीन का, कोई स्टेटस नहीं, जमीन का स्टेटस उन्होंने ओनरशिप साबित नहीं कर पाए। अगर वो उनको मौका सुनवाई का मौका दिया गया था और ये बताएगी वक्फ की जमीन पे इन्होंने निर्माण किया। सर ये तो एस्टिमेटेड बनेगा। ये हाशमी अमर अभियंता प्रयागराज विकास प्राधिकरण। अब जरा वो वीडियो देखिए जिस वीडियो में अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा का घर जमींदोज कर दिया गया।